तो स्वागत है नए वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करते हैं केरला ब्लास्टर्स एफसी के बारे में। तो केरला ब्लास्टर्स एफसी ने साइनिंग कंप्लीट कर लिया है नौचा सिंह का, और ये जो हुआ है एक लोन डील हुआ है, और लाइक मुंबई से लोन में लाया गया नौचा सिंह को केरला में, और ये काफी अच्छा डील मैं बोलूंगा जो कंप्लीट किया गया केरला की तरफ से। और लाइक यू नो अभी के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट भी है नौचा सिंह का मुंबई के साथ, तो जैसे वो खत्म होगा इनका लोन पीरियड भी खत्म होगा। एंड लेफ्ट बैक पोजिशन के प्लेयर है 23 एज इनका, इनको मोस्टली एज अ बैकअप ही खिलाया जाएगा, इनका सब्स्टिट्यूट यूज किया जाएगा। सो देखते हैं कि इनका परफॉर्मेंस केरला में आने वाले सीजन में कैसा रहता है। नेक्स्ट नजर हमारा हैदराबाद की तरफ से। सो हैदराबाद ने ऑलमोस्ट साइनिंग कंप्लीट कर लिया है पेट्री पेमेनन का, एंड पेट्री पेमेनन 32-year-old प्लेयर है। एंड अगर हम लोग इनका हिस्ट्री देख ले, सो लास्ट सीजन फिनिश लीग में मतलब फिनलैंड का जो फर्स्ट टीयर होता है उसमें इन्होंने 12 मैचेस में 4 गोल किया। रिकॉर्ड वाइज काफी अच्छा है, क्योंकि फॉरवर्ड प्लेयर नहीं है, सेंट्रल मिडफील्डर पोजीशन के प्लेयर है, 32 एज इनका, फिनलैंड के ही प्लेयर है, और लाइक लास्ट सीजन ये फिनलैंड के ही लीग में खेल रहे थे, एल्स करके एक टीम है उसमें खेल रहे थे। इससे पहले इन्होंने यूएसए में भी खेला है, और लाइक यू नो इंडोनेशिया पोलैंड में खेलने का भी एक्सपीरियंस है। सो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फॉरेन प्लेयर है। रिसेंट फॉर्म भी आप बोल सकते हो कि अच्छा खासा रिसेंट फॉर्म भी इनका, एंड इनका साइनिंग जितना बोला जा रहा है कि हैदराबाद एक फी दे के, ट्रांसफर फी दे के वो कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ट्रांसफर फी दे के बाहर से भी प्लेयर्स का साइनिंग कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि काफी एक अच्छा बात है। और मैं भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट होगा देखना कि इनका परफॉर्मेंस हैदराबाद में काफी लाइक यू नो कैसा रहता है, क्योंकि काफी नए टाइप के प्लेयर है, एंड न्यू फॉरेन प्लेयर्स को देखने का अपना एक अलग मजा है। एटलीस्ट मेरे लिए, मैं काफी वो चीजों को एंजॉय करता हूँ कि नए फॉरेन प्लेयर्स का नया स्टाइल होगा, नया प्लेइंग वे होगा, सो वो कैसा होगा वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा, इंटरेस्टिंग होगा। एंड इस साइनिंग के बारे में आपके क्या थॉट्स है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट दरबार एफसी गोवा की तरफ से। एफसी गोवा आकाश सांगवान के साथ बात कर रहे थे, एंड एंड मोमेंट में जाके चेन्नई ने डिसाइड किया कि नहीं, वो अभी आकाश सांगवान को नहीं रिलीज करने वाले। ऑल्दो आकाश सांगवान खुद भी ज्वाइन होना चाहते एफसी गोवा, इसी की वजह से लग रहा था कि डील हो जाना चाहिए, क्योंकि बात हर एक चीज सेटल हो गया था, लेकिन चेन्नई ने अभी डिसाइड किया कि नहीं, स्पेसिफिकली ओएन कॉयल ने डिसाइड किया कि नहीं अभी वो आकाश सांगवान को रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो काफी यंग प्लेयर है, काफी ही ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है, एंड एक्चुअली हर एक चीज कंप्लीट हो गया था गोवा के साथ आकाश सांगवान का बात हर एक चीज, बट सैडली चेन्नई ने डिसाइड किया कि नहीं उनको एक इंडियन प्लेयर चाहिए, इंडियन डिफेंसिव साइड में प्लेयर्स चाहिए, इसी के वजह से इस डील को अभी के लिए कैंसिल कर दिया गया। क्योंकि आकाश सांगवान का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट था चेन्नई में नेक्स्ट ईयर तक, सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक ही आकाश सांगवान चेन्नई में रहने वाले, उसके बाद वो गोवा में मोस्ट प्रोबेबली आ जाएंगे, क्योंकि उनका खुद मन है गोवा में आने का, लेकिन सैडली अभी के लिए तो डील कैंसिल हो चुका है। थोड़ा सा तो लाइक गोवा के मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा चीज नहीं है, लेकिन हाँ गोवा के पास बैकअप है, ऐसा नहीं कि आकाश सांगवान ही सब कुछ था उनके लिए, नहीं उनके पास भी बैकअप है। एंड यू नो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा इस साल आकाश सांगवान का परफॉर्मेंस चेन्नई में कैसा रहता है, क्योंकि गोवा भी प्लान कर रहे हैं कि इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर आकाश सांगवान का साइनिंग वो लोग फ्री ट्रांसफर में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन गोवा इस सीजन में भी आकाश सांगवान के लिए कोई ट्रांसफर फी देने के लिए रेडी नहीं थे, जिसकी वजह से ये डील थोड़ा सा बोल सकते कोलैप्स हुआ है काइंड ऑफ, क्योंकि चेन्नई ने बोला था कि हम लोग फ्री तो रिलीज नहीं करेंगे, अगर ट्रांसफर फी मिलता है तभी रिलीज करेंगे, गोवा ने बोला कि नहीं वो अभी ट्रांसफर फी देने के लिए रेडी नहीं आकाश सांगवान के लिए। सो वो तब फिर डेफिनेटली वो चेन्नई के पास एक अपर हैंड है कि उनका प्लेयर है, उनको अगर नहीं रिलीज करना है तो कोई कुछ कर नहीं सकता। सो हाँ गोवा ने अभी तो डिसाइड किया कि नेक्स्ट सीजन, सो इस चीज को लेकर आप क्या थॉट्स है आप कमेंट मुझे जरूर बताना। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आगे, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के बीच में, एंड अगर आप शेयर में तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, एंड बेल आइकन दबा देना ताकि मैं जब भी कंटेंट अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए, एंड मैं अपलोड के साथ तब तक के लिए बाय।